हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। पहली एन प्राकृत संख्याओं का सम अगर हमसे निकालने को बोला जाए तो हम कैसे उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, लेट्स लर्न। देखिए बेटा, पहले आपको मान लीजिए पहली 7 नेचुरल नंबर्स का मैं आपको टोटल करने के लिए बोलती हूँ, तो देखिए आप आसानी से उसे लिख पाएंगे और उसका टोटल भी बता देंगे, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं पहली 100 संख्याओं का सम बताइए मुझे, फर्स्ट 100, तो क्या आप उसको 100 लिखने बैठेंगे और फिर उसे काउंट करेंगे, तो क्या ये इसी रहेगा? नहीं ना। तो देखिए हम इसके लिए एक क्या प्रोसेस सिंपल सा अप्लाई करेंगे। इसी को लेकर, इन्हीं टर्म्स को लेकर मैं क्या करती हूँ, आपने 127 लिखा ना, इसी को मैं उल्टा रिवर्स गियर में लिखती हूँ। 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, है ना। अब हम इन दोनों चीज़ों को प्लस कर लेते हैं। देखिए जब आप प्लस करेंगे, आप देखिए 7 + 1 = 8, 6 + 2 = 8, 5 + 3 = 8, this is 8 and this is also 8 and this becomes also 8। That means कितनी बार 8 आ गया आपके पास। आप ऐसे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, एडिंग 8 + 8 + 8, कितनी बार आएगा, जितनी हमारे पास टर्म्स थी, 7 टर्म्स है ना, तो 7 ही बार मुझे 8 मिल गया। 8 + 8 + 8 7 टाइम्स, है ना। तो ये कितना बन गया, 56, 8 × 7, है ना। लेकिन मैंने क्या किया, इन्हीं टर्म्स को 2 बार प्लस किया है। मुझे तो सिर्फ एक ही बार पूछा गया था ना, 1 से 7 तक, लेकिन मैंने क्या किया, अपने सहूलियत की वजह से मैंने उसे रिवर्स गियर में लिखा और फटाफट ऐड कर दिया, है ना। तो मुझे मिल गया 56, यानी कि 2 बार मैंने इन टर्म्स को ऐड कर दिया। तो आंसर जो मुझे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड आंसर क्या बनेगा मेरा, 56/2, दैट मीन्स 28, है ना। तो यही चीज, दैट मीन्स 8 × 7/2, और ये जो हमने निकाला है ना 8 × 7/2, यही हमारा फॉर्मूला है। देखिए 7 टर्म्स थी हमारी, 1 उससे ज़्यादा लेके हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से भाग कर दिया। अब आपके पास चाहे कितनी भी टर्म्स बोली जाएं, नेचुरल नंबर्स, उनका सम हम आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे पहली 50 टर्म्स बोलता है, तो आप क्या करोगे, 50 × 51 एंड देन डिवाइड बाय 2, ये कट जाएगा 25 पे, और आप इसका सम निकाल देंगे 1275। देखिए नेक्स्ट करते हैं, जैसे जनवरी का कैलेंडर है हमारे पास, 1 से 31 तक डेज होते हैं आपको पता ही है। अब हमें सारी संख्याओं का योग निकालने के लिए बोला गया है, तो हमने लिख लिया s = 1 से 31, 1 + 2 + 3 up to 31। जो अभी मैंने मेथड बताया आपने उसको रिवर्स करके भी लिख दिया। अब जब दोनों को ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, हर बार 32 32 32 एंड सो ऑन, कितनी बार, 31 टाइम्स, है ना। तो यहाँ तक आप देखिए 2 टाइम्स, इधर कितना हो जाएगा, s + s 2s = 31 × 32, है ना। तो s कितना निकला, जो कि मुझे निकालना था, 31 × 32 / 2। हेंस द फॉर्मूला बिकम्स, फॉर n नेचुरल नंबर्स, यानी कि n लिखना है आपने, उसको एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना है और 2 से भाग कर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, n × n + 1/2। देखिए इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, पहले 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। नेचुरल नंबर ही होते हैं ना धन पूर्णांक, दैट मीन्स n = 1000। तो s क्या बनेगा, आपको अभी हमने फॉर्मूला सीख लिया है, n × n + 1/2, सो इट विल बी 1000 × 1001 / 2, तो क्या बनेगा ये 500 × 1001, 0005005, दिस इज द आंसर। तो देखा आपने, बिना कैलकुलेशन किए हमने कितनी जल्दी इस फॉर्मूले की हेल्प से अपना आंसर
निकाल दिया। तो आपको भी बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी हमारे को बहुत हेल्प करता है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।